कहानी है 2150 की, जब पृथ्वी का वातावरण खराब होने के कारण इंसानों ने डिसाइड किया था कि वो टाइम मशीन से ट्रैवल करके सीधा डायनासोर की इरा में चले जाएंगे रहने के लिए। और वहाँ पे कुछ लोगों की कॉलोनी बसी हुई थी जिसका नाम था टेरानोवा। उसी की एक कहानी है, ये है पार्ट 4। इसका नेक्स्ट 5th पार्ट आज ही अपलोड होगा थोड़े समय के बाद, और आखिरी पार्ट रहेगा 6th, वो कल अपलोड होगा। सारे एपिसोड्स की लिंक नीचे दी जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिम अपनी बेटी जोई को टेरानोवा की एक होलोग्राफिक सिमुलेशन द आई, जहाँ पर पूरे अर्थ की हिस्ट्री स्टोर थी, वहाँ पे घुमाने के लिए लेके जाता है। लेकिन तभी वहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक मेट्रोइड का एक्सप्लोजन हो जाता है और उसके शॉक वेव इतने जबरदस्त होते हैं कि पूरे टेरानोवा को डैमेज कर देते हैं, और इसके वजह से टेरानोवा के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, जिसके कारण जोई और जिम उसी रूम में फंस जाते हैं। अब जिम कुछ दिमाग लगाकर जोई को सिमुलेटर के नीचे वाले एक एस्केप रूट से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर जोई टनल से निकलते हुए बाहर आती है और डोर को मैन्युअली खोल देती है, जिसके बाद जिम एक सिक्योरिटी ऑफिशियल को जोई को घर लेके जाने के लिए कहता है। तो वही दूसरी जगह मीरा का एक आदमी उसे बता देता है कि टेरानोवा की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। अब मीरा इसी चीज का फायदा उठाकर अपने लोगों को टेरानोवा में अटैक करने के लिए कहती है। वो सबसे पहले एक एम्पेरोसोरस नाम के डायनासोर को आगे भेजती है, जो टेरानोवा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। जिसे आते देख जिम और टेलर उसके ऊपर एरो से शूट करने लगते है, लेकिन टेलर यहाँ समझ जाता है कि ये डायनासोर बस उनका डिस्ट्रैक्शन के लिए है, ताकि वे लोग यहाँ पे बिजी रहे और सिक्सर के लोग लैब में जाकर उसी बॉक्स को ले ले जिसे लास्ट पार्ट में लिया चुराने की कोशिश कर रही थी। अब ये बात समझते ही जिम सीधा लैब की तरफ भागता है, जहाँ पे उनको कार्टर और दो सिक्सर के मेंबर्स इस बॉक्स को चोरी करते हुए मिलते हैं। अब जिम और सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्टर उस बॉक्स को लेके जाने में कामयाब हो जाता है। मीरा और कार्टर दोनों जंगल में एक आदमी जिसका नाम लूकस था उसे जाकर वो बॉक्स देते हैं, जो ये बॉक्स ओपन करता है जिससे कुछ ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, जो कि वॉटरफॉल के यहाँ पे जो सिंबल्स है उसी की तरह दिखाई दे रहे थे। खैर, अब टेरानोवा की सारी इलेक्ट्रिसिटी फिक्स की जाती है और सारी चीजें वैसे ही चलने लगती है। और एक दिन जिम और टेलर दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिम को एक बड़ा सा स्वॉर्ड फिश मिलता है। वो इतना बड़ा था कि उसे पकड़ते हुए दोनों भी पहाड़ के क्लिफ तक खींचे चले जाते हैं। अब उसी दिन टेरानोवा में डॉक्टर केन हॉर्टन, जो कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट थे, वो काफी महीनों के जंगल में रिसर्च के बाद वापस कॉलोनी आ रहे होते हैं। एलिजाबेथ की बेटी मैडी उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी। अब वापस आने के बाद डॉक्टर हॉर्टन हेल्थ चेकअप के लिए एलिजाबेथ के पास जाते हैं और वो अपने पूरे बॉडी का चेकअप करते हैं सिवाय अपने ब्रेन स्कैन के। एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि ये जरूरी है, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द अपने काम के लिए लौट जाना है। और मैडी उनको एक असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन करती है और उनका एक ऑटोग्राफ अपने कॉपी में वो ले लेती है। लेकिन घर आने पर वो नोटिस करती है कि बचपन में डॉक्टर हॉर्टन से उसको भेजी गई लेटर्स की ऑटोग्राफ और ये ऑटोग्राफ बिल्कुल भी अलग अलग है। अगले दिन वो डॉक्टर से मिलने जाती है और उन्हें इस लेटर के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर को तो उन लेटर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था, बल्कि वो खुद उस लेटर की एक कॉपी उसे देने के लिए कहते हैं। और मैडी को ये बात काफी अजीब लगती है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं सिक्सर के ग्रुप में काफी अजीब बीमारी फैल गई होती है, इसीलिए मीरा एलिजाबेथ के ही बेटे जॉश इसको ब्लैकमेल करने लगती है कि वो अपने माँ यानी एलिजाबेथ के लैब से इस बीमारी की मेडिसिन को चुरा कर लेके आए। जॉश इस काम को करने के लिए काफी कतरा रहा होता है। दूसरी जगह हम जॉश और मीरा को देखते हैं। जॉश मीरा के लिए इसीलिए काम कर रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड जो अभी भी 2150 में है उसे इस डायनासोर की दुनिया में लेकर आ सके। लेकिन काफी महीने हो गए थे, फिर भी मीरा ने अभी तक कारा को यहाँ लाया नहीं था, इसीलिए जॉश मीरा से कारा सेफ होने का प्रूफ मांगता है। तो मीरा उसे ना चाहते हुए भी एक होलोग्राम की मदद से उन दोनों की बात करा देती है, जिससे सेटिस्फाई हो कि जॉश लैब से मेडिसिन को चोरी करने के लिए राजी होता है। तो यहाँ दूसरी जगह हम बॉयलन को देखते हैं। वो जॉश को उसके माँ का एक डुप्लीकेट कार्ड बनवा के देता है और उसी के मदद से जॉश लैब में भी चला जाता है। लेकिन जब वो मेडिसिन का कैबिनेट खोलने जाता है तो वो कार्ड काम ही नहीं करता, इसीलिए जॉश बॉयलन ने दिया हुआ पिस्तौल निकाल कर कैबिनेट पर सीधा शूट कर देता है और वहाँ से वो काफी सारे मेडिसिन चुरा कर लेकर जाता है। तो यहाँ पे एक दिन टेलर जंगल में कैरन को देखता है, जिसे उस
उसी ने एक मर्डर के सिलसिले में कॉलोनी से बाहर कर दिया था। इसका पैर बहुत ही ज्यादा इंजर हो गया था, इसीलिए वो उसके पैर पर लगाने के लिए मेडिसिन देता है। यहाँ पे दूसरी जगह मैडी चुपचाप से डॉक्टर हॉर्टन के लैब में घुस जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके लेटर्स को जला दिया है और डस्टबिन में फेंक दिया गया था। लेकिन तभी वो किसी के आने की आहट सुनती है, इसीलिए छुप जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर हॉर्टन लैब में आते हैं और अचानक से अपने वॉकिंग स्टिक को साइड में रख कर ठीक से चलने लगते हैं। अब यहाँ मैडी समझ जाती है कि ये डॉक्टर हॉर्टन की जगह पे कोई बहरूपिया है, तो वो इस फेक हॉर्टन को पकड़वाने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाने का सोचती है। दरअसल ओरिजिनल डॉक्टर हॉर्टन का डीएनए उसको उस लेटर के एनवलप में मिल जाता है, जिसको डॉक्टर हॉर्टन ने सालों पहले उसे भेजा था, और इस फेक डॉक्टर हॉर्टन का डीएनए भी उसे लैब में मिल जाता है। अब वो अपने लैब में जाकर दोनों भी डीएनए का टेस्टिंग करती है, तो दोनों भी मैच हो जाते हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि डॉक्टर हॉर्टन चुपके से ये सब कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे लैब में चोरी होने के कारण जिम हर तरफ काफी कड़ी सिक्योरिटी लगाता है, और ये सब कुछ देखकर जॉश काफी डर जाता है और वो बॉयलोन को आके बता देता है कि मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि मेरे पिता उस चोर को पकड़ने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बॉयलोन उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है और अपने ही एक कस्टमर जो कि हमेशा नशे में धुत रहता था उसे बलि का बकरा बना देता है और उसे जिम के पास लेकर जाके कहता है कि इसी ने चोरी की थी। दूसरी जगह पे जंगल में कैरन ठीक होने के बाद टेलर उसे खुद को साबित करने के लिए एक और चांस देता है और वो बताता है कि अब उसे सिक्सर के ग्रुप में रहकर टेरानोवा में वो कौन उनका जासूस है वो पता लगाना होगा, जिसके लिए कैरन भी मान जाता है। अब यहाँ पे मैडी डॉक्टर हॉर्टन का सच जानने के लिए द आई में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि डॉक्टर हॉर्टन जंगल में किसी जगह पे खो गए थे और उसे पता चलता है कि शायद रियल डॉक्टर हॉर्टन का मर्डर हो चुका होगा और अब जो उनके बीच में है वो दरअसल डॉक्टर हॉर्टन का पहले का असिस्टेंट है। कि तभी उसके रूम में हॉर्टन आ जाता है, लेकिन वो मैडी को कुछ कर पाए उससे पहले ही एक आदमी आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मैडी वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी बहन जोई को लाने के लिए उसके स्कूल जाती है, लेकिन फेक डॉक्टर हॉर्टन जोई को स्कूल से पहले ही लेके गए थे और वो हर जगह डॉक्टर हॉर्टन को ढूंढने लगती है, जहाँ पे वो उसे एक गार्डन में दिखाई देते हैं। मैडी आते ही फेक हॉर्टन जोई को जाने देता है। मैडी जोई को घर जाने के लिए कहती है और आगे बताती है कि जाके उनके पिता जिम को ये बताए कि आज डिनर में टिंडे बनाए। जोई वहाँ से घर जाती है और अपने पिता को बताती है कि दीदी ने कहा है कि आज डिनर में टिंडे बनाना है। अब जोई के जाने के बाद यहाँ पे फेक हॉर्टन बताता है कि वो रियल हॉर्टन नहीं है बल्कि उनका असिस्टेंट एंड्रू है। आगे वो ये भी कहता है कि मैं डॉक्टर से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने मेरे काफी सारे स्टडीज और एक्सपेरिमेंट को अपना बता के लोगों के बीच में पब्लिश किया था। इसके बाद वो जोई को पेड़ से बांधने लगता है और एक जहरीला स्पाइडर निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से जिम आता है और वो इस हॉर्टन को मार गिराता है और यहाँ समझ आता है कि घर पे टिंडे की सब्जी बनाना ये दरअसल उनका एक कोड वर्ड था और जब खतरा हो तभी ये वर्ड यूज करना था और इसी के चलते जिम को पता चला था कि उसकी बेटी खतरे में है। अब सभी लोग घर में होते हैं, जहाँ पे सब लोग पिछले कुछ दिनों में हुए अजीब अजीब घटनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इन सारी बातों को सुनकर जॉश काफी डरने लगता है और वो अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने स्काई से कहा था कि उसे कारा को यहाँ लाना है और फिर वो उसे बॉयलर के पास लेके गई थी और किस तरीके से वो मीरा के लिए अब काम कर रहा था और उसी ने वो चोरी की थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद जिम को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जाकर बॉयलर को बहुत ही धोता है और उसे पूछता है कि मीरा भविष्य में कैसे कांटेक्ट कर पा रही है क्योंकि पोर्टल तो सिर्फ वन वे है, यानी भविष्य से ही लोग अतीत में आ सकते हैं। लेकिन तभी बॉयलन कहता है दरअसल मीरा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो टाइम पोर्टल ओपन किए बिना ही 2150 में लोगों से बात कर सकती है, लेकिन कैसे वो पता नहीं है। अब जिम ये बात जाकर टेलर को बता देता है, तो यहाँ पे टेलर को शक होता है कि ये टेक्नोलॉजी जरूर लूकस ने डेवलप की होगी, जो कि टेलर का ही बेटा था जो कुछ समय पहले ही टेरानोवा से निकल गया था। और यहाँ पता चलता है लूकस वही आदमी था जिसे सीरीज के स्टार्टिंग में हमने वो बॉक्स ओपन करते हुए देखा था। यहाँ पे सिक्सर के कैंप में हम मीरा को देखते हैं, जिसके हाथ पर एक ड्रैगन फ्लाई आके बैठता है और यहाँ पता चलता है ये ड्रैगन फ्लाई दरअसल एक स्पाई होता है जिसके अंदर चिप थी, जो टेरानोवा में सिक्सर का आदमी है उनसे इन्फॉर्मेशन यहाँ लाने का काम करता था। अब जॉर्ज के कन्फेशन के बाद बॉयलोन को अरेस्ट किया जाता है
और टेलर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसी दरमियान जॉर्ज जिम को बॉयलॉन से मिलने के लिए कहता है और जिम जाकर बॉयलॉन से मिलता है जो कि बेहोशी के हालत में था। बॉयलॉन उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी सच जानना है तो तुम्हें टेरानोवा में एक बहुत ही बड़ी पिलिग्रिम ट्री है, उसके नीचे खोदने पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट मिलेगा। अब जिम ये ट्री ढूंढ निकालता है और उसके नीचे काफी खुदाई करने के बाद उसे एक इंसान का कंकाल मिलता है जो वो लैब लेकर आता है और एलिजाबेथ उसे स्कैन करने लगती है और उसे पता चलता है जो भी ये इंसान था उसका हाथ एक मिसिंग था और उसे शूट करके मारा गया है। तो वही दूसरी जगह जंगल में टेरानोवा की एक टीम दूसरे आउटपोस्ट पर उनका सप्लाई लेकर जा रही होती है, लेकिन सिक्सर उनके ऊपर हमला करके सारा सामान लूट कर लेके जाते हैं। अब यहाँ अगले दिन हम मैडी को देखते हैं जो आने वाले फेस्टिवल के लिए बच्चों का एक प्ले डायरेक्ट कर रही होती है जिसमें जोई कमांडर टेलर का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन इनके रिहर्सल के टाइम ही वैसा ही एक ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए इन बच्चों के पास आता है, तभी एक सोल्जर उसे मारता है। तभी मैडी देखती है कि उस ड्रैगन फ्लाई के पेट के नीचे एक छोटी सी चिप अटैच थी। अब इसे पकड़ के मैल्कम के पास दिया जाता है जो रिसर्च करके टेलर को बताता है कि ये चिप दरअसल उसी स्पाइक की है जो टेरानोवा में रहकर सिक्सर के साथ मिला हुआ है। इसी चिप के जरिए वो इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करते हैं। इससे टेलर को पता चलता है कि बॉयलॉन मेन स्पाई नहीं है, कोई और स्पाई है, इसीलिए टेलर बॉयलॉन को रिलीज कर देता है। यहाँ एलिजाबेथ जब रिसर्च कर रही थी तब उसे पता चलता है कि जो भी ये इंसान मरा हुआ था वो टेरानोवा से नहीं था। जिम भी इस बात से हैरान होता है और इसीलिए इसकी पूछताछ करने के लिए वो बॉयलॉन के पास जाता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले टेलर ने ही उसे इस डेड बॉडी को दफनाने का काम दिया था। तो यहाँ पे लैब में मैल्कम को भी इस डेड बॉडी के बारे में पता चलता है तो वो सीधा जाकर टेलर को बता देता है। अब टेलर को इन दोनों के ऊपर शक आता है क्योंकि उन्होंने इस डेड बॉडी के बारे में उसे बताया नहीं था। तभी जिम कहता है कि वो पूरी जांच करने के बाद ही टेलर को बताने वाला था। टेलर इस बात को वहीं पे रोकने के लिए कहता है कि ये जरूर किसी सिक्सर का शव होगा, जिसे जिम को उस पे और भी शक आने लगता है। खैर थोड़े समय के बाद यहाँ पे मैल्कम टेलर को बताता है कि वो ड्रैगन फ्लाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट होता है, उसी की फ्रीक्वेंसी से स्पाई और मीरा इस ड्रैगन फ्लाई को अपने तरफ बुलाते हैं। इसलिए टेलर मैल्कम को उस ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देने के लिए कहता है ताकि ड्रैगन फ्लाई स्पाई के पास जाए और उन्हें पता चल सके स्पाई कौन है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और वो ड्रैगन फ्लाई सीधा जाके जिम के घर पे जाता है, जिसके चलते टेलर अब जिम और एलिजाबेथ को अरेस्ट करने का वारंट निकालता है। वही ये दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल में होते हैं जहाँ पे एलिजाबेथ और जिम जोई की प्ले देख रहे थे, जिसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जनरल रिचर्ड और उसका भी एक हाथ नहीं था। जनरल रिचर्ड ये टेलर का कमांडिंग ऑफिसर था। ये देखकर एलिजाबेथ और जिम समझ जाते हैं कि वो शव जो उन्हें मिला था वो जनरल रिचर्ड का ही था। वे लोग वहां से निकल ही रहे थे तभी टेलर आके जिम को सिक्सर का स्पाई होने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है और जिम को सलाखों के पीछे डाल देता है। लेकिन टेलर कहता है कि वो उसे छोड़ देगा लेकिन उसे उस लाश के बारे में किसी को भी बताना नहीं है। लेकिन जिम मना करते हुए उसे पूछता है तुमने जनरल रिचर्ड को क्यों मारा, और यहाँ पर टेलर टेरानोवा के बारे में बताता है। वो कहता है कि टेरानोवा इस कॉलोनी को बनाने का मकसद इंसानों को बचाना नहीं था बल्कि यहाँ से अनाज फल फूल उगाकर उन्हें 2150 में भेजना था, यानी कि फ्यूचर के लोगों ने यहाँ पे डायनासोर एरा में लोगों को इसीलिए भेजा था ताकि यहाँ के काफी दुर्लभ खनिज धातु अनाज ये सब कुछ उगाकर वापस से फ्यूचर में भेज दे ताकि वो लोग काफी अमीर बने और नॉर्मल रह सके। लेकिन टेलर ये नहीं चाहता था क्योंकि वैसा करने पर इस समय के धरती का भी वही हाल होता जो 2150 का भी हुआ है। लेकिन उसे पता होता है कि अभी ये जो टाइम ट्रेवल का पोर्टल है वो सिर्फ वन वे है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं लेकिन यहाँ की कोई भी चीज या लोग वापस फ्यूचर में नहीं जा सकते। लेकिन टेलर को बाद में पता चलता है कि उसका बेटा लूकस ने ऑलरेडी टू वे पोर्टल डेवलप कर दिया है, यानी अब सारी चीजें यहाँ से फ्यूचर में जा सकती थी, इसीलिए टेलर ने उसका पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन टेलर के पास अभी भी कुछ चीजें होती है जिससे वो 2150 के अथॉरिटी को टेलर के इरादों के बारे में बता देता है और टेलर को रोकने के लिए फ्यूचर से जनरल रिचर्ड आते हैं जो टेलर को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन टेलर उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो लूकस की टेक्नोलॉजी भी मिटा देते हैं लेकिन लूकस को वो मार नहीं पाते, इसीलिए लूकस कॉलोनी छोड़ के चला जाता है। और इन सारी चीजों से ही हमें समझ आता है कि सिक्सर ग्रुप टेलर को क्यों हटाना चाहता था। अब ये सच्चाई सुनने के बाद जिम भी टेलर का साथ देने का सोचता है और टेलर उसे जेल से निकाल देता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है सो प्लीज कमेंट में मुझे एक हाय जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।